सबसे पहले स्टडी मटेरियल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एक तरीके की ऐसी कुछ ड्रैगन फ्लाई दिखाई देती है। पूरी मस्टर्ड फील्ड, पूरे सरसों के खेत के ऊपर बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज बसलिंग, मतलब बिल्कुल इधर उधर जा रहे थे। बहुत सारे थे वो ड्रैगन फ्लाइज, काफ़ी सारे थे, बहुत सारे नंबर में, तो वो इधर उधर जा रहे थे एक साथ। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, वो रोक रहे थे उस एक अकेली ब्लैक बी, काली मधुमक्खी या फिर बटरफ्लाई, जो उन फूलों से नेक्टर, जो फूल, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फ्लावर्स का जो रस लेती हैं ताकि वो लोग शहद बना सकें, वो ड्रैगन फ्लाइज उसका वो काम रोक रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। तो वो बच्चा जो था इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ही खुश हो गया और वो उन ड्रैगन फ्लाइज और उस एक मधुमक्खी का पीछा करने लगा उस हवा में। हिज गेज मतलब उसने अपनी नज़रें उन्हीं पर टिका ली। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कोई एक ड्रैगन फ्लाई या फिर मधुमक्खी किसी फूल पर बैठ ना जाए आराम करने के लिए, वो उसको पकड़ने की कोशिश करता था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर वेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। लेकिन जैसे ही वो बच्चा उन मधुमक्खी या फिर ड्रैगन फ्लाई के पास आता था तो वो फिर से हवा में उड़ जाती थी। फ्लटरिंग मतलब ऐसे जब अपने पंख फड़फड़ाकर उठना, और फ्लैपिंग वही पंख फड़फड़ाने के प्रोसेस को हम फ्लैपिंग बोलते हैं। अप इन टू द एयर वेन ही ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड्स, जैसे ही वो पकड़ने जाता था तभी वो ड्रैगन फ्लाई मधुमक्खी उड़ जाती थी। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम कम ऑन द फुटपाथ। तभी उस बच्चे की मम्मी ने उसको बुलाया और कहा कि आ जाओ बेटा फुटपाथ पर आ जाओ। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल। जो बच्चा था वो बहुत ही खुश होकर अपने पेरेंट्स की तरफ आ गया और थोड़ी देर के लिए वो अपने पेरेंट्स से पीछे चलने लगा, ब्रेस्ट मतलब पीछे। बींग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्टेड बाई लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट ऑफ देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। लेकिन कुछ ही देर में वो बच्चा जो था अपने पेरेंट्स से पीछे छूट गया, क्योंकि वो उन सभी छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वर्म्स को देख रहा था जो उसको उस फुटपाथ पर दिखाई दे रहे थे, दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। टीमिंग मतलब टीमिंग हम एक कलेक्टिवली वर्ड यूज़ करते हैं उनके नंबर को दिखाने के लिए, क्योंकि वो सारी चींटियाँ और जितने भी इंसेक्ट्स थे वो बहुत सारे थे, तो इसलिए हम उनके लिए टीमिंग वर्ड यूज़ करते हैं। टीमिंग मीन्स फुल। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। उसके पेरेंट्स ने फिर से उसको बुलाया कि आ जाओ बेटा आ जाओ। कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, एक ग्रोव बहुत सारे पेरेंट्स का ट्रीज का कलेक्टिव ग्रुप जहाँ पे बहुत सारे पेड़ एक साथ हो उसको ग्रोव बोल देते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी रास्ते पे, सड़क पे बहुत सारे पेड़ या फिर कोई एक बड़ा सा पेड़ जिसकी छाव आ रखी होती है तो वो लोग अपने आप को आराम देने के लिए उसके नीचे बैठते। ही रैन टुवर्ड्स देम, और जो बच्चा था वो अपने पेरेंट्स की तरफ फिर से भागा। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। जैसे ही वो जो बच्चा था वो उन पेड़ों की छाव के नीचे आया, पेड़ों पर से बहुत सारे छोटे 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 फूल गिरे और वो उस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग और सुंदर लगे। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और अपने पेरेंट्स को भूलकर वो बच्चा जो था वो उन फूलों की पत्तियों को उठाने लगा।
But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, "The dove, the dove." लेकिन जैसे ही उसने डव्स की आवाज़ सुनी, डव एक वाइट कलर की बर्ड होती है कुछ ऐसे, दिस इज़ अ डव जो वाइट कलर की होती है, पिजन्स ग्रेइश कलर के होते हैं लेकिन डव बिल्कुल प्योर वाइट कलर की होती है। तो जैसे ही उस बच्चे ने उन डव्स की आवाज़ सुनी, उसने अपने पेरेंट्स को बोला, द डव, द डव। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और अब उसका ध्यान उन डव्स की तरफ चला गया और वो जो पत्ते थे फूलों के जो पेटल्स थी वो उसके हाथ से गिर गए, ड्रॉप मतलब गिरना। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बैनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप, दे लुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। और उसके पेरेंट्स ने उनको दोबारा बुलाया लेकिन उनका जो बच्चा था वो उन बैनियन ट्री के बीच में से, पेड़ों के बीच में से, फुटपाथ के ऊपर नीचे वैसे ही वो कूदता हुआ इधर उधर उछलता हुआ वो उस मेले की तरफ जा रहा था जो मस्टर्ड फील्ड्स के दूसरी साइड था।